अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। एक बात मैं कह रहा हूँ, हिना साहब अभी बयान दे रही थी, अब भावुक हो गई। कानून का एक जो कानून की किताब है उसमें लिखा हुआ है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए। यह भी लिखा है कि किसी भी केस में नजायज तरीके से किसी के नाम आ जाए तो प्रशासन और शासन की जिम्मेवारी बनती है कि गंभीरता से उसको देखे। कोई भी घटना घटती है, दुखद है, हम दुख प्रकट करते हैं, लेकिन गलत जो है नेमिंग नहीं होनी चाहिए जो ओसामा के साथ हुई है। यह गलत नेमिंग है और CRPC IPC में यह व्यवस्था है कि दोषी बचे नहीं और निर्दोषी फंसे नहीं। ओसामा साहब उस समय कहाँ थे जब घटना घटा था? ओसामा साहब आज से हैं, वो उनकी पत्नी जो है नीट की तैयारी कर रही है दिल्ली में, वो जो है MD के लिए तैयारी, MBBS डॉक्टर है। ओसामा जी अपने पत्नी के साथ वहाँ पर हैं और घटना के दिन ही नहीं, घटना के बहुत पहले से वो नहीं है यहाँ पर, इसलिए उनको जो केस में इन्वॉल्व किया गया है, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसके गंभीरता से जांच होनी चाहिए और जो दोषी हो उन पर कड़ाई कार्रवाई हो, लेकिन ओसामा साहब के साथ निश्चित न्याय होना चाहिए क्योंकि वो है नहीं और उनको किस कारण से इसमें फंसाया गया है यह जांच जब होगा तभी पता चलेगा। इनको न्याय मिलना चाहिए, हम न्याय की मांग करते हैं। ठीक है।